बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर जिस पर इंटरनेशनल मीडिया भी बड़े जोरों शोर से ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और टॉप स्टोरीज नशर कर रहा है। क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी सहाफियों का एक मोतबर तरीन ग्रुप जो है वो नेपाल चला गया है, तो वो अभी तक वापस नहीं आ रहा और सोशल मीडिया सार्फिन की पूरी कोशिश है कि उन्हें वापस लाया जाए। और सोशल मीडिया भरा हुआ है उन सहाफ़ियों की तस्वीर से जो पहले आपको बताया करते थे कि डॉलर इतना हो गया, इतना हो गया, इतना चला गया, एक दिन में 2 रुपये बढ़ गया, एक दिन में 4 रुपये बढ़ गया, आज एक दिन में कोई 25 रुपये से ऊपर डॉलर बढ़ गया। लेकिन वो सारे सहाफ़ी जो ये आपको बताया करते थे वो इस वक्त नेपाल गए हुए हैं, तो वापस लाने की पूरी कोशिश हो रही है, सोशल मीडिया पर जद्दोजहद जारी है। लेट्स सी, जैसे जैसे कोई एक आध वापस आएगा आपको अपडेट करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, ये एक बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए कि आज डॉलर 255 रुपये की हद भी क्रॉस कर गया। इसहाक डार साहब को लाया गया था जिस शानो शौकत से, त्यारे में बिठा के, जिस तरह वो चलते हुए आ रहे थे और जैसा तासुर उन्होंने दिया था, जो इमेज बिल्डिंग उन्होंने अपनी की थी और टेलीफोन कर करके जिस तरह से वो ब्रेकिंग न्यूज़ और वो बीपर्स में आके बताया करते थे कि मेरे सिर्फ पाकिस्तान कदम रखने पर पाकिस्तान का इतने अरब रुपये का कर्ज़ा कम हो गया, डॉलर इतना कम हो गया, वो अब नहीं बता रहे कि आज के दिन पाकिस्तान को कितने करोड़ या कितने अरब रुपए का झटका पहुंचा है, पाकिस्तान के कर्ज़ों के ऊपर कितना इजाफी बोझ पड़ा है ये जो 25 रुपये यकदम डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। और उनके जितनी भी वो फुर्तियां थी, जो एक्शंस थे, जो जा के वो अपने हम ख्याल टीवी एंकर्स के प्रोग्राम में टाई शाई पहन के बताते थे कि देखें ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं है। स्क्रिप्ट अच्छा था, स्टार्ट में सबको यही बताया गया था, उन्होंने नहीं और भी बहुत से लोगों ने बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे आएगा, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। अब ओपन मार्केट में जितना डॉलर ऊपर गया है, कल अगर आपने देखा हो तो 230 रुपये पर था, आज 255 रुपये पर, बल्कि इससे भी ज़ायद पर बंद हुआ। और सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जो आलमी इदारे हैं वो विसल ब्लो कर रहे हैं, अलार्म बेल कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की मईशत पर ख़तरे की घंटी बजाते हुए हेडलाइंस लिखी जा रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का आज का आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसकी पूरी डिटेल नहीं, सिर्फ उसकी चंद हेडलाइंस और उसकी जो एक दो लाइंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान्स इकोनॉमी इज एट रिस्क ऑफ कोलैप्स विद रोलिंग ब्लैकआउट्स एंड अ सीवियर फॉरेन करेंसी शॉर्टेज। मैं 2 दिन पहले इमरान खान की किचन कैबिनेट के एक स्टालवार्ट हैं, बड़े उनके करीबी, काफ़ी वक्त उनके साथ गुजरता है, तो एक उनके घर पे जाने का इत्तेफाक हुआ, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हो रही थी कि इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ का ये जो टेनओवर है इसमें क्या बदला, क्या कुछ हुआ सियासी सूरत हाल पर, ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तवील गपशप हुई। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत की थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता लेकिन कुछ हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो डॉलर ज़रा सा ऊपर नीचे होता था या आटा या चीनी की प्राइस ज़रा सी ऊपर जाती थी तो प्रेशर आता था वज़ीर आज़म इमरान खान पर, और उनको ये कहा जाता था कि वज़ीर आज़म खुद और उनकी पूरी मुआशी टीम साथ बैठकर टीवी पर बैठकर और सहाफ़ियों को बुलाकर उनके सवालों के जवाब दें। ये प्रेशर आता था उन पर और उनसे ये कहा जाता था कि आप फौरन से इसके ऊपर बात करें और लोगों को बताएं। और यहाँ पर जो सूरत हाल इन दिनों चल रही है, किसी को पता है कि वज़ीर आज़म ने कब अपनी मुआशी टीम के हमरा बैठकर आप लोगों को एतमाद में लिया, या कब इसहाक डार को उन्होंने जवाब दे बनाया हो कि अपने बराबर की कुर्सी में बिठा के और बाकी उन सारे सहाफ़ियों को बिठाया हो जो सख्त सवाल करते हुए ये कहें कि अगर डॉलर इतना हुआ तो हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे। आपको टेलीविज़न पर नज़र आए इस तरह मुआशी टीम के साथ, जिस तरह इमरान खान मुसलसल तवातुर के साथ आया करते थे, नहीं नज़र आए, क्योंकि बताने के लिए कुछ है ही नहीं, जो बताने के लिए होता है वो फिर इधर उधर से रिलीज़ कराया जाता है, लाइक कोई ऑडियो आ गई, कोई वीडियो आ गई, कोई इस तरह की जो चीज़ें आ गई वो फिर इधर उधर से रिलीज़ करा के अपने चैनल्स पे दे के, अपने सहाफ़ियों को दे के, फिर उसके ऊपर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, देखें जी ये हो गया, ये हो गया, ये, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके फिर नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जिनके हाथ में पाकिस्तान की किस्मत के फैसले हैं या सारा खेल है जिनके हाथ में, उनकी तो तरजीहात ही बिल्कुल कुछ और हैं। पावर पॉलिटिक्स हो रही है और इस पावर पॉलिटिक्स ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। सियासी मुखालफिन को दबाने की इस वक्त कोशिश है और इस चक्कर में अवाम के जो रियल इश्यूज़ हैं या जो अवाम के साथ असल ज्यादती हो रही है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा।
निगरान हुकूमत के आते ही जो कुछ इस वक्त पंजाब में हो रहा है अफसोसनाक है। क्यों इमरान खान के घर के बाहर सख्त सर्दी में वर्कर्स को पहरा देना पड़ रहा है कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश ना हो? क्यों फवाद चौधरी को कल हथकड़ियां लगाकर मुंह पर कपड़ा डालकर दहशतगर्दों की तरह लाया गया कि पता नहीं कौन से दहशतगर्दी के केस में या कौन सी बगावत के केस में इसको इस तरह से पेश किया गया? अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली, बल्कि शेख रशीद साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ तो पता चला कि लाल हवेली खाली कराने के लिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। उनको ये लगता है कि कोई बड़ी तैयारी हो रही है और कल कोई बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। क्यों ये चंद बड़ों की अना ख़त्म होने में नहीं आ रही? मतलब मुल्क का हाल देखें, डॉलर कहाँ पे है, दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, हमें कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने कमिटमेंट्स की थी उन्होंने अभी तक कुछ दिया है आपको? अभी तक कोई मुल्की खजाने में, वो स्टेट बैंक के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगले हफ्ते से डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, किधर है वो डॉलर जो आने थे? अभी तक तो बस जा ही जा रहा है। हम अभी भी उसी चीज़ में लगे पड़े हैं कि कैसे किसी तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला वसी किया जाए, कैसे अपने मुखालिफिन को सबक सिखाया जाए। और फिर अब तस्वीरें लगा लगा के सोशल मीडिया पर, ये इतने दिन जेल में रहे, ये इतने दिन जेल में रहे, ये इतने दिन जेल में रहे, मकसद क्या है, साबित क्या करना चाहता है कि आपने सबको जेल में डालना है और उतने उतने दिन रखना है? इसीलिए फिर कुछ लोगों को लगता है कि पंजाब शायद तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया है, उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया, उनके हाथ से निकला है। कुछ लोग इसे मिसकैलकुलेशन भी कह रहे हैं कि शायद कुछ लोगों ने जो इमरान खान के आसपास थे उन्होंने मिसकैलकुलेशन से काम लिया। लेकिन जो पॉपुलर ओपिनियन है या आप जैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये इमरान खान की सियासी हिकमत अमली ही थी और जितनी इंतखाबात में ताखीर होती वो इमरान खान के हक में बेहतर नहीं थी, इसलिए उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो असेंबलियाँ तोड़ के इंतखाबात की जानेब बढ़ने की कोशिश करते। खैर अब जो हो चुका पीछे मुड़ के तो देखना नहीं है, लेकिन अब पंजाब में मिशन मोहसिन नकवी एक तरह से चल रहा है, तकरियाँ, तबादले, ये सब हो रहा है। निगरान सेटअप अपनी मनपसंद लोगों को अपॉइंट कर रहा है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा और अगर कोई तायनाती या तकरीरी हुई तो वो उनकी मर्जी से, प्रायर परमिशन से होगी, लेकिन बिना परमिशन के जो दिल कर रहा है वो तायनातियाँ हो रही हैं। निगरान सेटअप का असल टारगेट क्या है? क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं या अपनी ही मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं कि हम किसी तरह से अपनी मुद्दत बढ़ाएं? इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। खैर फिलहाल तो ये सारे अपनी पसंद की टीम बना रहे हैं और चुन चुन कर उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जिनको पीटीआई का हार्डकोर मुखालिफ माना जाता है, और इसीलिए पीटीआई ने इन इंतकामी कार्रवाइयों में जो मुलव्विस इंतजामी और पुलिस अफसरान हैं उनकी पंजाब में तकरियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को एक फहरिस्त आज जमा कराई है, और इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में जो मुलव्विस अफसरान हैं उनको पंजाब में तायनात ना करने की सिफारिश की है। जो फहरिस्त आज पीटीआई की तरफ से दी गई है इलेक्शन कमीशन को, उसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप के, फिर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप और कुछ हैं जो पुलिस सर्विसेज के अफसरान हैं वो शामिल हैं, और उनसे ये कहा गया है कि इन लोगों को ना लगाया जाए, ये पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं या कर रहे हैं। इनमें वो अफसरान भी शामिल हैं जिन्हें मोहसिन नकवी साहब तैनात कर चुके हैं या अपॉइंट कर दिया गया है। अब जाना तो इलेक्शन की तरफ है अल्टीमेटली, लेकिन इलेक्शन कराने में ताखीर कितनी होगी, उसके रास्ते क्या क्या होंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी समेत वो जो सेंसेस वाला एक मामला है उसको जवाब बना के, और बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ एक मसला है, सिर्फ एक मसला, वो ये कि इमरान खान के पास सब कुछ है, वोटर्स भी हैं, एक पॉपुलर नैरेटिव भी है, बयानियाँ है, सब कुछ, वो इलेक्शन कैंपेन के मूड में जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ इमरान खान के पास है। दूसरी तरफ पीडीएम है या मुस्लिम लीग नून है, उनके पास नवाज शरीफ नहीं है, मरियम अभी आई नहीं है, बयानियाँ उनका कंप्रोमाइज्ड है, जिस बयानिए के तहत वो आगे बढ़ रहे थे वो बयानियाँ उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, अब सारी मईशत, महंगाई, डॉलर, IMF, ये सारा कुछ है, इसके साथ वो इलेक्शन में जा नहीं सकते। तो कैसे इलेक्शन मोड ऑन किया जाए दोनों अतराफ से, ये एक बड़ी रुकावट है। लेकिन बहरहाल जितना भी आगे जाना पड़े, जितना भी भागना पड़े, बाय द एंड तो आगे इलेक्शन ही है। अब इस सारी सियासी गर्मा गर्मी में या तो इंतखाबात ही वाहिद हल है, या फिर अगर इंतखाबात नहीं होते तो उससे कबल सियासी जमातों के दरमियान हल्का फुल्का डायलॉग या मुजाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है, वरना ये बदतरीन डेडलॉक इसी तरह जारी रहेगा, और अनफॉर्चुनेटली ये डेडलॉक अभी तक बरकरार है। खबरें आती हैं बीच बीच में कि कुछ पैगाम रसानी हो रही है, कहीं से बातचीत चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन अभी भी वहीं पे फंसी हुई है, क्योंकि
पहले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कुछ बातचीत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, इधर रापता उधर रापता, भागदौड़ उनकी जारी थी, लेकिन अब उन्होंने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और आज ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि डेढ़ महीना हो चुका है, पूरे डेढ़ महीने में हुकूमत की जानिब से मुसलसल खामोशी है और कोई मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत आगे नहीं बढ़ी। और ये भी वो मानते हैं कि अगर सियासतदान ही आपस में मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें या तैयार ना हो तो मैं कितनी बार कहूँ। तो उनका भी ये एक तरफ से ये ठीक है ये पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि इलेक्शन, एक तरफ से हो रही है कि जाया जाए इलेक्शन में, दूसरी तरफ हो रही है कि नहीं इसको डिले किया जाए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में जाना है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के बगैर जाया जाए। जब उनके पार्टी के ऊपर से इमरान खान का टैग हटे और वो बयानियाँ हटे उसके बाद हम जाएँ ताकि हमारे पास सेफ मार्जिन रहे। अगर ये भी ना हो तो फिर आपको पता है निगरान सेटअप कितना के निगरान है और वो क्या क्या कुछ कर सकता है, क्या पावर्स हैं उनके पास। लेट्स सी, आने वाले दिनों में आपको मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।